भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है। तो आखिरकार झारखंड में भी पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है। जी हाँ, झारखंड में भी पेट्रोल के दाम 100 के पार हो चला है, 100 रुपए 93 पैसे। एक तो वैश्विक महामारी कोरोना के मार से अभी ठीक ढंग से संभल भी नहीं पाए थे कि अब चीजों के बढ़ते दामों की मार ने लोगों की कमर तोड़ करके रख दी है। चाहे पेट्रोल हो या फिर रसोई गैस या फिर खाने पीने का सामान, हर चीज के दाम में गजब की आग लगी हुई है। इस बढ़ती महंगाई से सारे लोग परेशान हैं। शायद यही अच्छे दिन है। आइए सुनते हैं कि इन पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर लोगों का क्या कहना है। देखिए, दाम जो बढ़ते जा रहा है उसमें कोई क्या बोले, अब सरकार देखती नहीं क्या हो रहा है, बस बढ़ाने सिर्फ वादे करने जानते हैं ये लोग। कंपेयर करते हैं अपने पिछले जो भी सरकार थी उससे, कंपेयर आप बेस्ट से करते हैं ना, वर्स्ट से तो नहीं ना करते हैं। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो किन्हीं उनसे कीजिए जो आपसे बेहतर हो। ये कंपेयर करेंगे, जीडीपी दिखाना रहेगा तो पाकिस्तान से दिखाएंगे, वो तुम्हारी कंपटीशन भी नहीं है। अगर आपको अपनी कंपटीशन ही दिखानी है तो यूएस से कंपेयर करो। आप या एक स्टूडेंट है या फिर एक एक्चुअली अभी हम स्टूडेंट भी है और एज अ पार्ट टाइम जॉब भी हम करते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी दिक्कत होती है इस तरह की, अगर एक पेट्रोल की दाम बढ़ते जाए, कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? आप भी जानते हैं, अगर एक स्टूडेंट होते हुए आपके पास एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, आप अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसमें भी अगर मान लीजिए आपको कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी मिले, उसमें आपको पेट्रोल की प्राइसेस ऐसे हाई होते रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है दिक्कत होती है, आप कितना मैनेज कर पाएंगे उसमें। आप यहाँ पे अभी देख लीजिए, यहाँ पे ये हाल, अभी लाइन लगे हुए हैं, हम लोग को अभी ऑफिस भी जानी है बट वेट कर रहे हैं। ये पेट्रोल का दाम सेंचुरी मार चुका है, गवर्नमेंट का इस पर तो ध्यान जाना चाहिए और इस पर ताली तो कोई नहीं, आंसू बहा रहा है पब्लिक, आंसू बहा रही है, क्योंकि एक मीडियोकर फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो गया है गाड़ी चलाना, बाइक पर चलना या ये करना। इसलिए सरकार को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस पर लगाम कैसे लगे। पेट्रोल का अनकंट्रोल्ड जो प्राइस बढ़ते जा रहा है, ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। मध्यम वर्ग के जो परिवार रहते हैं उनको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ऐसे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए उससे महंगाई भी कहीं ना कहीं बढ़ती जी, है। जी, मध्यम वर्ग के लिए तो समझिए एक तरह से घर का पूरा बजट ही गड़बड़ हो गया है ना, पेट्रोल डीजल से ही रिलेटेड सब कुछ है, तो पेट्रोल डीजल बढ़ने का मतलब हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है ना, तो पूरा बजट ही गड़बड़ आ गया है ना। तो मैं सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, सरकार ने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, जो बेसिक्स है उसको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए था। एक मध्यम वर्ग के जो परिवार जी, रहते मिडिल, एक मिडिल बजट क्लास फिक्स रहता है, जी जी हाँ, एक बजट रहता है जिन पे वो अपना जीवन यापन करते हैं जी। अगर वैसे में अगर पेट्रोल का दाम इस तेजी से बढ़ता जाए, इस गति से बढ़ता जाए, तो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना कर रहा है मिडिल क्लास लोगों का, बजट गड़बड़ा गया है। आपका क्या सरकार से दरख्वास्त रहेगा इस बढ़ती दाम को कम करवाना? जी जी, मेरे सरकार से यही दरख्वास्त है कि पेट्रोल के दाम को कम किया जाए, ठीक है, जिसमें मिडिल क्लास लोग की जेब में उस पर भार नहीं पड़े। तो यह झारखंड ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट उत्पाद करता है, ना डीजल उत्पादन यहाँ होती है, करों की वृद्धि में जिस तरीके से भारत सरकार ने फार्मूला बनाया है उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सकें।